पिल्लू जी एलिजाबा जी, आज से अपा की दुकान मैं चलाऊंगी। मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैं मार डालूंगी उसे अगर किसी ने मेरी दुकान को हाथ लगाया। मैं सच में मार डालूंगी। अलीजाबा जी उठे। अरे इसके लिए इतना ही काफी है, अगर कल से दुकान खुली तो देख लेंगे इसे मोहल्ले से निकाल देंगे। चलो चलो। आप ही ये देखें, पता नहीं कौन है इतना सामान लेकर यहाँ अंदर घुस के आ गया है घर में हमारे। कौन है आप? मैं नेहा का आशिक। सरे बाजार लाके घर आकर साफ किताब कर लूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी, रखो अपने पास। ओहो, लोगों को क्यों सुना रही हो? हौसला रखो अलीजे, जब तुम हौसला हार जाओगी तो इन बहनों का ख्याल कौन रखेगा? अब तो तुम्हें ने माँ और बाप दोनों बनकर पालना होगा। बल्कि अपने तो वो होते हैं जो लोग एहसास करते हैं दूसरों का, ना कि उनको परेशान करते हैं। आप लोगों का तो जब दिल चाहता है मुंह उठाकर आ जाते हैं दूसरों को परेशान करने। तौबा है, कितनी जबान है इस लड़की की। हम तो तुम बहनों की दिलजोई करने के लिए आ जाते हैं। तुम मुझसे इतना डर क्यों रही वाली जी? देखने में तो काफी समझदार मालूम होती है। अगर तुम चाहो ना तो ये घर तुम्हारे नाम हो सकता है। जितनी शराफत से मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूं ना, इतनी ही शराफत से मेरी जिंदगी में आने की प्लानिंग कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुझे काम छोड़ने को कौन कह रहा है बिल्लू? क्या मतलब अलीजाबा जी? तुझे मतलब भी समझ आ जाएगा तो सुबह काम पर आ जाना। मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहा हूं। वो कहते हैं ना कि पहली गलती माफ कर देनी चाहिए। दूसरी गलती समझ के छोड़ो, अगर तीसरी गलती सजा की हकदार होती है। मेरी मोहब्बत एक जाल है, जितना फड़फड़ाओगी उसमें इतना फंसी जाओगी। मेरी आदत बना लो, क्योंकि मैं आता जाता रहूंगा। और हां, जितनी शराफत से मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूं ना, इतनी ही शराफत से मेरी जिंदगी में आने की प्लानिंग कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझ पे हर एक हंसता है, सरे बाजार लाके मुझ पे हर एक हंसता है। हमें ये नोच खाएंगे ये डर भी लगता है, हमें ये नोच खाएंगे ये डर भी। पिल्लू जी एलिजाबा जी, आज से अपा की दुकान मैं चलाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? दुकान आप चलाएंगी? हाँ लो भाई, हमारी दुकान का इफ्तिताह हमारी बेटी अलीजे करेगी। बाबा मैं क्यों, ये आपकी दुकान है, इसका इफ्तिताह भी आप ही करेंगे। अरे बेटा, मेरी जिंदगी तो तुम्हारे दम से ही है ना। तुम तीनों बहनें मेरे घर के लिए भी और मेरी दुकान के लिए भी बरकत का वायस हो। बेटा जल्दी से बिल्लू दे कैंची। शाबाश। ये ले लीजिए बाजी। हाँ लो, चलो शाबाश।
जीतती रहो। मिठाई कहाँ है? मिठाई भी लाए आप? ओ? ये ले लीजिए बच्चे, अपना मुंह मिठा कर। चलो अंदर। देखो जरा, ये लड़की अभी तक सो रही है। बताया भी था रात सुबह कॉलेज जाना है। नेहा उठो, देर हो जाएगी। नेहा उठो जल्दी। अब तुम्हें क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है? कोई ख्वाब देखा है क्या बुरा? नेहा, इतने टाइम बाद कॉलेज जा रही हो, खुशी खुशी जाओ ना। आप भी, मुझे कॉलेज नहीं जाना। कॉलेज नहीं जाना? लेकिन क्यों नेहा? मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। क्या कह रही हो नेहा? नेहा, तुम्हें तो पढ़ने का शौक था ना। तुम्हारे ख्वाब के खातिर अब्बा ने शहर के इतने महंगे कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाया था। हाँ आप ही, चुप हो जाओ। मतलब वो सारी बातें तुम्हारी झूठी थी? मैं पायलट बनना चाहती हूँ, अब्बा को जो सारे ख्वाब दिखाए थे तुमने, तुम्हारे खातिर अब्बा ने मुझसे कहा कि छोटी पायलट बनना चाहती है, उसकी खुशी है। हया, तुम कॉलेज छोड़ दो। तुम अब्बा के ख्वाबों को इस तरह तोड़ोगी? आप ही, मैं आपको कैसे बताऊं? रहने दो, मत बताओ मुझे। असल में मसला ये है कि तुम्हारे ना बस में ही नहीं है। जा रही हूं मैं, किचन में काम है मुझे। रही बात अब्बा के ख्वाबों की, तो वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रह रहे ना। है आप ही, मेरा यूनिफॉर्म मिस्त्री है। हाँ, अलमारी में रखा है। जल्दी से आ जाओ पहन के, मैं नाश्ता लगा रही हूँ।
अलीज़े यहाँ? ये कर क्या रही है दुकान पर? पता नहीं, कुछ लेने आई होगी। छोड़ो तुम, चलो। रुको तो सही, चलो पूछते हैं। ये कर क्या रही है बिल्लू के साथ दुकान पर? लेट हो जाएंगे जमीला, चलते हैं। अरे नहीं होते लेट, आ जल्दी आ, पूछते हैं। सामान तो ना होने के बराबर है बिल्लू, नया लाना पड़ेगा। जी अलीज़े बाजी, अब क्या करें, सौदा तो लाना पड़ेगा। बाबा जहाँ से सामान लाते थे, तुझे वो जगह याद है? जी अलीज़े बाजी, वो मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं। तो फिर एक काम करते हैं, उनसे ना एक महीने के लिए सामान उधार पर उठा लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सामान बिक जाएगा तो हम उनके पैसे वापस कर देंगे। क्यों बिलू? ठीक है अलीज़े बाजी, मैं अभी सामान की लिस्ट तैयार करता हूँ कि क्या क्या लाना है। और वो जो बच्चों की कैंडीज थी ना, वो भी लिख लेना। अलीज़े? खाला आप? अलीज़े बेटी, तुम यहाँ? तुम्हें देखा तो आ गए, क्या कर रही हो? नसीब भाई की याद आ रही होगी तुम्हें। पापा की यादें तो हर वक्त आती रहती हैं, लेकिन मैंने फैसला किया है, आज से बाबा की दुकान मैं चलाऊंगी। क्या, तुम खोलोगी दुकान? जी खाला, अब घर तो चलाना ही है ना, और फिर जब सर पर कोई ना हो तो। लो रशीदा बहन, सुन लो, बस यही देखना बाकी रह गया था, ये लड़की होकर दुकान चलाएगी, अरे मोहल्ले वालों की नाक कटवाएगी क्या? अलीज़े कुछ तो शर्म करो, लड़की होके दुकान पे बैठोगी? क्यों खाला, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, ये शरीफों का मोहल्ला है। ये मेरे बाबा की दुकान है और मुझे ये दुकान चलाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या, तू ऐसे नहीं समझेगी, अभी बताती हूँ। सुनो सुनो मोहल्ले वालों, ये अलीज़े क्या कह रही है? खाला क्या कर रही हैं आप, मोहल्ले वालों को क्यों बुला रही हैं? इसलिए कि मोहल्ले वालों को तुम्हारी बेहयाई का पता चल सके। क्या कह रही हैं खाला, कौन सी बेहयाई? तुम चुप करो, अब फैसला मोहल्ले वाले करेंगे। अरे सुनो भाइयों। और क्या हुआ जमीला बहन, खैरियत तो है ना? अरे भाई साहब, इस मोहल्ले में कभी खैरियत हुई है? सुन ले भाई साहब, क्या कह रही है लीजे? क्या बोल रही है बहन जी? कहती है अपने अब्बा की दुकान चलाऊंगी, कोई रोक सकता है तो रोक ले। क्या, अब आप ही फैसला करें, लड़की होकर इसे दुकान खोलनी चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये दुकान नहीं खोल सकती। आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ। लो सुन लो भाइयों, और दो औरतों को आजादी। अब इन बहनों को देख कर हमारी बेटियां भी पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे? मैं तो कहती हूँ इनको मोहल्ले से निकाल देना चाहिए, मनहूस, अपने बाप को भी खा गई है। ये गैरत वाला मोहल्ला है बच्चे, यहाँ बेगैरती नहीं चलेगी। गैरत? चचा आपके मुंह से तो ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं तो आपकी बेटी की जैसी हूँ। मेरी बेटी तुम जैसी नहीं हो सकती कि वो बाजार में आकर दुकान खोल ले। अरे भाई साहब, क्यों बहस कर रहे हैं आप इससे? अरे दुकान को ताला लगवाएं, खड़े क्यों हैं, बंद करें दुकान। चलो चलो इसका सामान उठा के बाहर फेंकते हैं, चलो आ जाओ भाइयों। कोई दुकान बंद नहीं करेगा, मैंने कहा ना कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं मार डालूंगी उसे, मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैं मार डालूंगी उसे अगर किसी ने मेरी दुकान को हाथ लगाया, मैं सच में मार डालूंगी। अलीज़े बाजी उठे। अरे इसके लिए इतना ही काफी है, अगर कल से दुकान खुली तो देख लेंगे इसे मोहल्ले से निकाल देंगे। चलो चलो, कल दुकान नहीं खुलनी चाहिए, समझ में आई ना? चलो भाई। अलीज़े बाजी उठे। क्या हुआ यहाँ, क्या खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं हूँ मेरा,
पिछली कुछ देर से तुम यहाँ कुछ खड़ी सोच रही हो और कुछ बोल नहीं रही। घर में सब ठीक है ना? बाबा की याद आ रही है क्या? नहीं हुमैरा, ऐसी बात नहीं है। वो नुमान क्या 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 उस बदतमीज इंसान ने फिर से मेरा, वो कल मेरे घर आ गया था। तुमने लिजा को सब बता दिया ना? नहीं। क्यों, तुम कुछ नहीं बताया? मैं क्या बताती अलीजे आप ही को कि नुमान मुझे रास्ते में आते जाते परेशान करता है, कॉलेज आते जाते हुए छेड़ता है, तो क्या वो मुझे आज कॉलेज आने देती? नेहा, अलीजे आप ही की नजर इतनी तंग नहीं है, कम से कम उसे सबक तो सिखाती ना। मैं अलीजे आप ही को और परेशान करना नहीं चाहती। वो अब्बा के जाने के बाद वैसे ही बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से मसीद परेशान हो जाए। हुमैरा, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन ऐसे तो नुमान को और शे मिल जाएगी जो तुम्हारे घर तक आ सकता है। वो कल को कुछ भी कर सकता है, ऐसे बंदे है क्या भरोसा क्या कर डाले। हुमैरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। नेहा, जब कुछ समझ में ना आ रहा होता है तो समझ में आने वाला पहला रास्ता अपना लेना चाहिए, और पहला रास्ता यही है कि तुम अपनी बहनों को सब बता दो, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। चलो आखिरी पेड़ी शुरू होने दे। तो आप ही मोहल्ले वाले आपके साथ इस तरह कैसे कर सकते? मैं जानती हूँ ये सारी फसाद की जड़ ना जमीला और रशीदा है। आप देखिएगा मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ हया, कहीं नहीं जाओगी तुम। आप ही क्यों नहीं जाऊंगी मैं? अगर अब भी नहीं पूछेंगे तो फिर ये लोग तो इनके हौसले बढ़। हया, मैंने कहा ना कि कहीं नहीं जाओगी तुम। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? जुल्म सहना भी एक जुर्म होता है। अगर अभी भी हमने कोई कदम नहीं उठाया इनके खिलाफ तो ये लोग तो हमें जीने ही नहीं देंगे। जो हो गया सो हो गया, मुझे किसी के खिलाफ कोई पर्चा नहीं कटवाना। आप ही, आप मेरी बात तो बिल्लू। जी बाजी। तू घर जा, तेरी अम्मा तेरा इंतजार कर रही होंगी। नहीं बाजी। बिल्लू, मैंने कहा ना कि तू घर जा। अच्छा बाजी। बाजी, सुबह दुकान खोलनी? दुकान खुलेगी बिल्लू, टाइम से आ जाना। ठीक है बाजी। क्या सोच रही हैं अब आप मोहल्ले वालों के बारे में? आप ही, आप खुद ही तो मुझे समझाती हैं कि ये समाज बहुत जालिम है, किसी को जीने नहीं देता, किसी को नहीं छोड़ता। तो फिर आज आप क्यों डर रही हैं? आप ही आप कल दुकान खोलेंगी। आ जाओ रशीदा, अंदर आ जाओ, आओ बैठो। हाय हाय, अरे देखती हूँ मैं भी कैसे खोलती है लीजा दुकान। जमीला बहन, मुझे लगता है ने लीजे के साथ कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखना होता क्या है इसके साथ। बहुत बेइज्जती की थी ना इसकी मगरूर बहन ने मेरी, अब मैंने पूरे मोहल्ले में बेइज्जत कर दूंगी, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगी। देख लेना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मैं तो कहती हूँ बस इतना काफी है। डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब मोहल्ले वाले हमारे साथ हैं। वैसे भी अलीजा के अब्बा ने हमारे बेटे का एक रिश्ता ठुकराया था, आवारा कह के घर से निकाल दिया था। मुझे तो बहुत गुस्सा है। कहीं तुम अपना बदला तो नहीं ले रही हो? अरे नहीं,
तुम्हारी भी तो बेइज्जती की थी है ना? समझा करो, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? कुछ नहीं होगा। लो रशीदा बहन सुन लो, बस यही देखना बाकी रह गया था, ये लड़की होकर दुकान चलाएगी। अरे मोहल्ले वालों की नाक कटवाएगी क्या? कुछ तो शर्म करो, लड़की होके दुकान पे बैठोगी? ये शरीफों का मोहल्ला है, इस मोहल्ले में कोई लड़की दुकान नहीं चला सकती। ये लीजिए, गरम गरम दूध लाई हूँ आप ही आपके लिए, उठ जाएं जल्दी से। रख तो मैं पी लूँगी। नहीं, मैं बैठी हूँ यहाँ पर और आपको अभी मेरे सामने पीना होगा। चलें, उठें। इस वक्त कौन आ गया? आप दूध पिए, मैं देख के आती। आ जाओ आओ, जल्दी लेके आओ, यहाँ रखो। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आराम से रखना, आराम से। शाबाश, आराम से आराम से। हाँ रखो, चलो हो गया, एक दो तीन, ठीक है जाओ तुम लोग। अरे अरे अरे, ये सब क्या है और अंदर क्यों आए आप? देखिए ये सामान है और ये इसकी लिस्ट है, ये चेक कर ले। इसकी लिस्ट में आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन है और अंदर क्यों आए? अरे आपके सामने वो दरवाजा खोल के तो आयो। बेवकूफ, किसी और को बनाना। हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मेरी हिम्मत की बात मत करें, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अरे अरे, तो तुम हो कौन? अरे आप मुझे गलत मत समझें, ये प्लीज सामान चेक कर लें। पता है बड़े बड़े स्टोर वाले भी आजकल दो नंबरी करते हैं, मुझे तसल्ली हो जाएगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन हो? अगर आप इतने प्यार से पूछेंगी तो। मैं प्यार से बिल्कुल नहीं पूछ रही हूँ, मैं गुस्से से पूछ रही हूँ। आप तो गुस्से में भी प्यार से पूछ रही हैं। बकवास बंद करो, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रुको हया, आप ही ये देखें, पता नहीं कौन है इतना सामान लेकर यहाँ अंदर घुस के आ गया है घर में हमारे। कौन है आप? मैं नेहा का आशिक। क्या आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा? तो आप नेहा को बुलाएं, उससे पूछ लें, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बकवास बंद करें और निकले यहाँ से। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन है आप? नोमान। अब नोमान कौन? मैंने पहचाना नहीं। वो नेहा जानती है मुझे। क्या हुआ नेहा? नहीं कुछ नहीं। तो फिर इधर उधर क्या देख रही थी? वो हमारा नुमान को। क्या, नुमान को? अरे तुम जो गलत समझ रही हो, मेरा मतलब है कि नुमान यहीं पर होता है, आज वो दिखाई नहीं दे रहा, वरना वो हमेशा ही। ओ प्लीज, नुमान का खौफ अपने दिल दिमाग से निकाल दो, तुम जितना उससे डरोगी वो तुम्हें उतना डराएगा।
उसका मकसद डरा के तुम्हें अपने करीब करना है। मेरी मानो तो अलीजे आप तो सब कुछ सच सच बता दो। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा चलो अभी देर हो रही है। अच्छा तो आप हुमैरा के भाई हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो इन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आप ही, मैंने इनसे कई बार पूछा है लेकिन ये तो। अच्छा छोड़ो, तुम जाकर इनके लिए शरबत लेकर आओ। जी मैं लाती हूँ। आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। अलीजी जी, I'm very sorry, मैं इस तरह अंदर आ गया। नहीं ठीक है, अब ये सब लाने की क्या जरूरत थी? पहली बार आपके घर आया हूँ, कुछ तो बनता है ना, और वैसे भी ये कुछ ज्यादा तो नहीं है। आपने काम का ही तकल्लुफ किया। अपने घरों में तकल्लुफ थोड़ी होता है, और मैं तो वैसे भी अपना घर समझ के लाया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज का बिजनेस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। मैं चीजें बाहर भेजता हूँ, मुल्क से बाहर भेजता हूँ। वो पानी मिलेगा? जी मैं देखती हूँ, आप बैठे हैं। वो बजे यार, हुमैरा का भाई? हुमैरा ने तो कभी अपने किसी भी भाई का जिक्र तक नहीं किया। आज अचानक हुमैरा का भाई कहां से आ गया? नेहा ने भी कभी बात नहीं की। शरबत नहीं बना अभी तक। आपी, अब क्या हुआ? आपी, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, बल्कि मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। क्या बोल रही हो हया? आपी ये जो लड़का है ना, ये मुझे हुमैरा का भाई नहीं लग रहा। पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। तुम जल्दी शरबत बनाकर लेकर आओ। आप ही बात तो सुने, अगर ये उमेरा का भाई होता तो ये इस तरह अकेले क्यों आता? ये अपनी बहन के साथ आता ना, ये इस तरह अकेले नहीं आता। और नेहा ने भी आज से पहले कभी भी किसी भाई की जिक्र नहीं किया। तुम्हारी शक करने की आदत बहुत बुरी है। भला वो बेचारा हमसे झूठ क्यों बोलेगा? आप ही, कोई तो वजह है। देखे वरना अब्बा के इंतकाल पे तो आता ना वो। तुम जल्दी शरबत बना कर लेकर आओ, उसे प्यास लग रही होगी। अच्छा मेरी बात तो सुने। जानती हूं मैं, अलीजे आप ही कभी भी नहीं मानेंगी। हर किसी पर फौरन एतबार कर लेना उनकी पुरानी आदत है। खैर मुझे क्या। अच्छा मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ, बल्कि मैं आता जाता रहूंगा। हे आप, तुम नहीं जा सकते। जी मेरा मतलब है शरबत पिए बगैर। हो, मैं तो डर ही गया था। डरता वो है जिसके दिल में चोर होता है। पिए ना प्लीज। आप इसकी बात का बुरा मत मानो, इससे मजाक करने की आदत है। तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमसे ही तो मिलना था मुझे। अलीजे आप ही? अरे तुमने अलीजे जी को बताया नहीं, तुम्हें बता देना चाहिए था ना। देखो वैसे उनको भी गलत फहमी हो जाती, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने सब कुछ बता दिया। नेहा तुमने बताया नहीं? अलीजे आप ही ये झूठ बोल रहा है। अरे इसमें झूठ क्या है, मैंने आपको यही बताया ना कि मैं इसकी दोस्त उमेरा का बड़ा भाई हूँ, यही बताया ना। मेरा वो अभी उमेरा का आने का टाइम हो गया होगा, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा, चाय भी पी लूंगा। जी जरूर। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। आपी, मुझे ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। नेहा तुम बताओ क्या ये वाकई? तुम्हारे सवाल जवाब फिर शुरू हो गए हैं, थक गई होगी बेचारी, जाओ नेहा जाकर चेंज कर लो। आपी आप मेरी भैया बस करो, नेहा ने तस्दीक कर दी है ना, जाओ जाकर खाना लगाओ, हर वक्त शक करती रहती हो।